टुडे गुड मॉर्निंग टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड x lies between minus 1 एंड 1. सेकेंड क्वेश्चन इज इन क्वेश्चनों को करने से पहले बच्चों आपने क्लास 11th में चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आप लोग को बार बार बोला था कि आप फॉर्मूले को बहुत ध्यान से पढ़िए. अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो तुरंत आप स्ट्राइक करेंगे कि x को आपको क्या चीज एज्यूम करनी है. अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था 2 tan theta upon 1 plus tan square theta equal to sin 2 theta. और एक फॉर्मूला और पढ़ा था आपने 2 tan theta upon 1 minus tan square theta equal to tan 2 theta. तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है sin 2 theta का. लेकिन हमें यहां क्या एज्यूम करना पड़ेगा x को tan theta मानना पड़ेगा. तो देखते हैं y equal to cos inverse 2x upon 1 प्लस एक्स स्क्वायर और आपको साथ में दे रखा है माइनस 1 एक्स लाइज बिटवीन माइनस 1 एंड 1. ये आपकी वर्किंग आपको वर्किंग भी दिखानी पड़ेगी साथ में. तो सबसे पहले मैंने क्या काम किया बच्चों पहले मैंने y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. मैंने क्या पुट किया x को tan थीटा एज्यूम किया लेट x इक्वल टू tan थीटा. तो यहां पर भी मैं पुट कर दूंगा x को मैंने tan थीटा एज्यूम कर दिया. तो यहां से थीटा क्या हो जाएगा बच्चों भाई अगर यहां लिखा हुआ है तो यहां क्या आ जाएगा tan इनवर्स माइनस 1 और यहां पे क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1. अगर मैं आपसे पूछूं tan 90 डिग्री 10 पाई बाई 2 इक्वल टू इनफाइनाइट. अब मैं पूछूं पाई बाई 2 क्या होगा तो आपने इनवर्स के चैप्टर में पढ़ा है 10 इनवर्स इन्फिनिटी. तो वही चीज मैंने यहां कर दी. अब ये क्या होगा बच्चों माइनस पाई बाई 4 थीटा पाई बाई 4. अब आप क्या काम करिए ये फॉर्मूला किसका होता है वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा. ये फॉर्मूला किसका होता है साइन 2 थीटा का. अब आप क्या काम करिए अब आप देखिए यहां पे क्या लिखा है कॉस इनवर्स लिखा है. तो आप क्या काम करिए यहां पर इसको कॉस से बदलने की कोशिश करिए. तो जब आप इसको कॉस से बदलने की कोशिश करेंगे वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा. अब आपका ये साइन 2 थीटा में कन्वर्ट हो गया. अब आप देखिए ध्यान से यहां पर क्या है आपका थीटा है और आपको किसमें लेके आना है 2 थीटा में लेके आना है. तो पहले आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें. ये मैंने 2 थीटा से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब आप देखिए आपको क्या लेके आना है पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा. तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप. जैसे ही आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चों इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी. माइनस 2 थीटा और माइनस का पाई बाई 2. अब यहां क्या है बच्चों पाई बाई 2 है. पाई बाई 2 ऐड कर दीजिए इसमें. जैसे ही आप पाई बाई 2 ऐड करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा पाई. यहां क्या आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा और यहां क्या आ जाएगा 0. अब आप ध्यान से देखिए आपने इनवर्स के चैप्टर में पढ़ा था कॉस इनवर्स की जो आपकी रेंज होती है वो क्या होती है 0. कॉस इनवर्स की जो रेंज होती है आप लोगों ने पढ़ा होगा इनवर्स चैप्टर में वो होती है 0 कॉमा पाई क्लोज इंटरवल. तो आप देखिए ध्यान से जो भी आपका इंटरवल आ रहा है वो आपका इस रेंज में फिट आ रहा है 0 कॉमा पाई क्लोज इंटरवल में. ये रेंज जो आपकी पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा की आ रही है ये फिट आ रही है. तो आप क्या काम करिए अब आप इसकी जगह ये लिख दीजिए वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स इसकी जगह आप क्या लिख दीजिए पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा. क्योंकि आपका ये जो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा है ये आपके कॉस इनवर्स की रेंज में फिट हो रहा है. तो आप क्या लिख दीजिए इसकी जगह y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा. अब पाई बाई 2 थीटा की जगह आप क्या पुट कर दीजिए बच्चों आपने क्या एज्यूम किया था थीटा को
x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, tan इनवर्स x, तो यहां पे tan इनवर्स x आ जाएगा। और अब आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, dy by dx इक्वल टू ये जीरो हो जाएगा और ये माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। आपको ये वर्किंग करके दिखानी पड़ेगी कि कॉस इनवर्स की रेंज में ये चीज फिट हो रही है, तभी आप इस क्वेश्चन को आगे समझा पाएंगे कि ये आपने कैसे लिखा है। नाउ द नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर ध्यान से देखिए, आपने एक फार्मूला पढ़ा था साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहां पे क्या चीज एज्यूम करने में फायदा है, x को साइन थीटा एज्यूम करने में फायदा है, x इक्वल टू साइन थीटा, यानी कि थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब देखिए आपने क्या काम किया, माइनस 1 बाई रूट 2 इसको आपने क्या मान लिया, साइन थीटा। अब यहां से साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा, ये किसकी वैल्यू होती है, माइनस पाई बाई फोर, और ये किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई फोर। अब हम यहां अपना क्वेश्चन लिखते हैं, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स, मैंने अभी क्या एज्यूम किया, साइन थीटा अंडर रूट, ये आपका अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और जब अंडर रूट हट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका वाई इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब वही काम करना है, साइन इनवर्स की रेंज में फिट करना है इसको, तो यहां पे क्या है, 2 थीटा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस का पाई बाई 2 2 थीटा पाई बाई 2। अब आप देखिए ध्यान से, साइन इनवर्स की जो रेंज होती है, साइन इनवर्स की रेंज होती है क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 कॉमा पाई बाई 2, ये आपकी साइन इनवर्स की रेंज होती है, और हमारा ये बिल्कुल ठीक आ रहा है, यानी कि आप क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, ये लिख सकते हैं y इक्वल टू 2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x। बस अब आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, dy by dx इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है, और ये आपका रेंज, ये वर्किंग आपको जरूर दिखानी है। थैंक यू।